हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अंकित भाटी सर के बुक की जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न है। देखिए, हिंदी और इसमें जीएस हम कवर कर रहे हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, यानी कि निम्न में सर्वनाम शब्द है, आपको इनमें बताना है कौन सा शब्द जो है सर्वनाम है। ऑप्शन ए कहने की नींद, ऑप्शन बी कहने की रोग, ऑप्शन सी कहने सफाई, या ऑप्शन डी कहने की कौन। राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन जो है आपका, कौन कैसा है, ये सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनाम शब्द हो जाएगा, डी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, तो सर्वनाम आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक, तो यहाँ पे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि दिग भ्रम उदाहरण है, आपको बताना है दिग भ्रम में कौन सी संधि है। सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, कहीं विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यण संधि या आयादि स्वर संधि, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दिक प्लस भ्रम। ठीक है, तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक, अगला कहने की निम्नलिखित तत्सम शब्द तद्भव में कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो यहाँ पे आपको शुद्ध विकल्प बताना है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लौंग का तत्सम इसमें बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लवंग और लौंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही तत्सम और तद्भव का शुद्ध हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया के रचयिता हैं, तो यहाँ आपको बताना है रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, कहने की मलूक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल या केशव दास। तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केशव दास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए केशव प्रसाद की कुछ और रचना जैसे कवि प्रिया है, कवि प्रिया, छंदमाला। ठीक है, छंदमाला, रामचंद्रिका बीर सिंह देव चरित विज्ञान गीता। ठीक है, विज्ञान गीता, तो आपसे कवि प्रिया भी कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पे कवि प्रिया भी याद रखना, केशवदास की रचना है। अगला कहने की राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ आपको बताना है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा कौन सी इसमें हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कहने की राष्ट्रीय होगा, राष्ट्रीय होगा, सौराष्ट्र होगा या राष्ट्रीयता होगा, यहाँ पे सही ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीयता। ठीक है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, राष्ट्रीयता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे जो है कौन सा सबसे पहले आएगा, कहें कि ऋग्वेद आएगा या ऋच आएगा या ऋजु आएगा या ऋण आएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, रिच जो है आपका जो है हिंदी वर्णमाला में पहले आएगा। ठीक है, क्यों, देखिए छ जो है आपका ये संयुक्त स्वर है, तो ये का हलंत प्लस सा से मिलकर बना सा से। ठीक है, तो इसलिए ये जो है आपका कैसे पहले आ जाएगा, छ। ठीक है, तो पहले आपका ये गाना देख कर आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर आपका बी नंबर ही आपका सही हो जाएगा, कि इसमें आप देखेंगे पहले जा रहा है घा रहा है। ठीक है, तो ये हम नहीं ध्यान, तो यहाँ पे जो छ है जो आपका संयुक्त व्यंजन है, और ये जो है का और श्रास से मिलकर बना है, और इस कारण से ये जो है आपका जो है शब्दकोश में पहले स्थान पे आएगा। अगला है, चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास आपको बताना है, इसमें इसमें कौन से समास है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, चक्रपाणी, चंद्रभाल, सुलोचना, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी में कैसा है, यहाँ पे बहुव्रीहि समास है, ठीक है, यहाँ में बहुव्रीहि समास है, ठीक। तो बहुव्रीहि समास आप जानते हैं, जब किसी शब्द में मूल अर्थ ना होकर अन्य कोई तीसरा अर्थ होता है वहाँ बहुव्रीहि समास कहलाता है, जो कि इसमें कोई भी पद क्या होता है प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरी ओर की संकेत करता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। कहीं कि नागमती का वर्णन है, आपको बताना है नागमती का वर्णन है, कहीं अखरावट में, आखिरी कलाम में, पद व पदवत में या मृगावती में। राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे पद्मावत में, ठीक है। तो यहाँ पे नागमती का वर्णन जो है पद्मावत में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। तो पद्मावत किसने लिखा, ये मलिक मोहम्मद जायसी की ये बहुत प्रमुख रचना है पद्मावत, ये कई बार परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और तो ये जो है किसमें है, पद्मावत में है, जो नागमती और पद्मावत के लेखककार कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। अगला कहने की सार्वनामिक विशेषण है, तो आपको यहाँ इसमें बताना है सार्वनामिक विशेषण है किसमें, करें सर्वनाम के बाद आते हैं, क्रिया विशेषण के बाद आते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं या संज्ञा के बाद में बाद आते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण किसके बाद आते हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, या जो है संज्ञा से पहले आते हैं, ठीक, यह जो है संज्ञा से पहले आते हैं। कहें कि सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ विभक्ति क्या है, से आया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपादान कारक, ठीक है, अपादान कारक, ठीक है। तो दूरी के कंपेयर में भय कहीं लगे, ठीक है, और अलगाव के कंपेयर में क्या आता है, वहां पे अपादान कारक होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द चुनिए, आपको बताना है इसमें जो है उपसर्ग रहित शब्द कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उपसर्ग आप जानते हैं किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाली में जो है किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। करें कि आग, आग शब्द का पर्यायवाची है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैश्वा नर जो है आग का पर्यायवाची है, ठीक है। तो आग का पर्यायवाची आप जानते हैं अनल होता है, पावक, कृषाण, उदहन, ज्वाला, हुतासन, धूमकेतु, ठीक है। निम्नलिखित में से विलोमार्थी का सही युग्म नहीं है, तो यहाँ आपको बताना है कौन सा सही युग्म नहीं है, देखिए अश्व दीर्घ सही है, ठीक है, पक्ष का विपक्ष ये भी सही है, आगमन गमन का आगमन ये भी सही है, देखिए यहाँ पे बी नंबर जो है सही समानार्थी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ मानव का अभिमान जो है सही समानार्थी नहीं होगा, तो मानव का विलोम क्या होता है, दानव होता है, ठीक है, दानव होता है, और अभिमान का विलोम क्या होता है, नम्रता, ठीक है, नम्रता। कहने की समुच्चरित भिन्नार्थक शब्दों में अवलंब अवलंब अविलंब का सही विकल्प है, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो अवलंब माने होता है सहारा और अविलंब माने शीघ्र, ऑप्शन बी नंबर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। कह रहे कि इतना विराम चिन्ह है, आपको ये कोष्टक में जो है इसका कौन सा ये विराम चिन्ह है आपको यहाँ बताना है। कह रहे कि विवरण चिन्ह है, तुल्यता सूचक है, लाघव चिन्ह है, संयोजक चिन्ह है, ठीक है। तो ये आपका लाघव कह रहे हैं कि संयोजक है या विवरण चिन्ह है, ठीक है, तुल्यता मतलब इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए नंबर ही सही हो जाएगा, यह जो है चिन्ह जो है विवरण चिन्ह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तुल्यता जानते हैं कैसे होता है, ये ऐसे होता है, इक्वल वाला जो जानते हैं, योजक माने दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, लाघव चिन्ह, ठीक है, आप जानते हैं गोला की तरह रख देते हैं छोटा से। कहने की शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, शुद्ध रूप है, आपको यहाँ इसमें शुद्ध रूप बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको देखिए, कहने शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, नहीं, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, भाई होश कहाँ भागेगा, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ डी ही बचेगा, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ही नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला कहने की मृगावती के रचनाकार हैं, आपको यहाँ बताना है मृगावती के रचनाकार कौन है,
तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुतुबन, कुतुबन जो है मृगावती के रचनाकार हैं। ठीक, करें कि बंदूक एक उपयोगी, करें कि स्पेस है, औजार है या अस्त्र है या शस्त्र है या रक्षक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंदूक क्या है, एक उपयोगी अस्त्र है, क्या है, सॉरी शस्त्र है, ठीक है, क्या है, शस्त्र है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिए, शस्त्र जिन्हें आप हाथ में लेकर प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। ठीक है, ठीक। और अस्त्र किसे कहते हैं, जो आप फेंक कर मारे किसी को, जैसे भाला हो गया, फेंक के मारना गया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, अस्त्र कहलाएगा। और तलवार भी आप पकड़ के मार चलाते हैं तो वो भी आपका क्या, शस्त्र है। ठीक है, तो बंदूक आप पकड़ के चलाते हैं, ठीक है, छोड़ फेंक के नहीं मारते, तो यहाँ पे ये शस्त्र हो जाएगा। ठीक, तो अस्त्र शस्त्र में आप ध्यान रखिएगा, शस्त्र क्या है जिसे आप हाथ में लेकर चलाते हैं, और अस्त्र क्या है जिसे आप फेंक कर मारते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। अगला कहने की, खड़ी बोली की पहली रचना है, आपको बताना है खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी थी। राइट आंसर, देखिए इंपॉर्टेंस प्रश्न है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, प्रेम सागर। ठीक है, खड़ी बोली की पहली रचना के कार कौन है, प्रेम सागर, और इसको लिखा किसने है ये भी आपसे पूछा गया है, लल्लू लाल। ठीक है, लल्लू लाल जो है इसके क्या है, रचनाकार है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कह रहे कि ढोला मारू रात दुहा, ये किसके रचनाकार, ये कलोल के हैं। ठीक है, ये क्यों है, नासिक तो व्याख्यान के लेखक कौन है, ये सदल मिश्र इसको लिखे हैं, सदल मिश्र लिखे हैं। अगला कह रहे कि जहाँ मज्जा मांस रुचिर लखी परत बगारे, जित जित छटके हाड़ सेत कहूं कहूं रत नारे। मैं आपके इस अवतरण में है, इसमें आपको कहें कि विभत्स रस है, अद्भुत रस है, भयानक रस है या हास रस है, यहाँ पे आपको बताना है कौन सा रस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, विभत्स रस है, इसमें आपका ए नंबर आपका यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो इसका विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। करें निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है, करें कि साई सब संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। तो इसमें आपको मात्रा गिन लेना है तो पता चलेगा इसमें दोहा है, सुराठा है कि चौपाई है कि कुंडलियां है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो दोहा जानते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद है, तो इसमें 13-11 पर होती मात्रा। ठीक है, तो विषम चरण में 13-13, सम चरण में 11-11, दोहा का उल्टा सुराठा। ठीक है, कुंडलियां में आपका, और चौपाई में जानते ही आप 16-16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है, इसमें गिन लेना है। देखिए, सा में बड़ा का मात्रा है 2 हो जाएगा, ठीक है, और ई में बड़ी है 2 हो जाएगा, सा में छोटा 1, 1, 1, बा में 1, सा पे अंक बिंदी है तो 2 हो जाएगा, सा में बड़ा का मात्रा 2, रा में 1, मा में अंक बिंदी है 2 हो जाएगा। ठीक है, तो गिन लीजिए, तो आपका 3, 4, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 2, 13, देखिए 13 आ रहा, तो ये जान गए कि आप इसमें ए ही नंबर हो जाएगा, दोहा। ठीक है, दोहा, तो अंक बिंदी का दो गिनते हैं। ठीक है, दो मात्रा गिनते हैं। ठीक, और आप जानते हैं छोटा छोटी का एक एक मात्रा होती है, बड़ा बड़ी बड़ाओं के लिए दो दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो आप ये गिन लेंगे तो आराम से पता चलेगा। कहने की तापस बाला सी गंगा फूल में अलंकार बताओ, कहने की तापस बाला सी गंगा कूल में अलंकार बताओ। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे देखिए सी आया है, सी सा जहाँ पे आता है आप जानते हैं कौन सा अलंकार होता है, यहाँ उपमा अलंकार, ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी नंबर आपको यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति की से तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा। कहने की वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, 4 ही है, और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 ही है, तो आपको यहाँ संयुक्त स्वर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आए और ओ जो है आपका संयुक्त स्वर है। ठीक, और एक दो कौन कौन से हैं, ए
और ओ, ठीक है। ये आपके चार जो हैं हिंदी में क्या हैं, संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, स्वर की संख्या आप जानते हैं 11 होती है। हाथ सुसर चार होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं आपके, सात होते हैं। चलिए भैया इसको करें कि आपको सूची एक और सूची दो को से क्या क्या करना है, आपको मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। तो यहाँ पे आपका करें कि खचा खच, खचा खच ये किससे जाएगा, ये आपका देश से जाएगा, तीसरे से चला जाएगा। ठीक है, और मुरलीधर ये कौन सा हो जाएगा, ये योग ऋण शब्द हो जाएगा। योग ऋण शब्द आपको हम बताएं क्या होता है, ठीक है, पहले से चला जाएगा। टिकट घर, देखिए टिकट आया है और घर आया है, टिकट घर में कैसा शब्द है ये संकर होता है। संकर शब्द आप जानते हैं दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं, संकर शब्द। टिकट आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, घर हिंदी भाषा का शब्द है, तो इस प्रकार आपका संकर शब्द हो जाएगा। ठीक, और सौंप, सौंप जो है आपका क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा आपका, ये सही सुमेलित हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे कूट मिलाना है, राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का दूसरे से जाएगा, सी का चौथे से और डी का दूसरे से। कह रहे कि नीति का बहुवचन होगा, तो यहाँ पे आपको नीति का बहुवचन होगा, राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीतियाँ। ठीक है, नीतियाँ जो है ये जो है आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे कि साधु का स्त्रीलिंग बताना है, साधु का स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा साध्वी, साध्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। कह रहे कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अव्यय को आविकारी भी कहते हैं, इन पर लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी को अव्यय कहते हैं, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इतना जो है आपका कैसा शब्द है, ये अव्यय हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि हथियाना, हथियाना में कौन सी क्रिया है, यहाँ आपको बताना है हथियाना में कौन सी क्रिया है, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाम धातु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, नाम धातु क्रिया। ठीक, तो जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी होती है उनको हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। करें कि राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं, राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार कौन है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ल की और कुछ रचनाएं हैं जैसे सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास मकान, पहला पड़ाव। ठीक है, करें कि बिच्छुक कविता के रचयिता कौन है, तो आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निराला। ठीक, बिच्छुक के कविता के रचनाकार कौन है, निराला जी। ठीक, तो निराला जी की रचनाएं जो है जैसे अनामिका, परिमिल, तुलसीदास, आराधना, कुकुर मुत्ता, ये जो है निराला जी की रचनाएं। अगला कहने की तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओछे की प्रीति बालू की भीति, राइट आंसर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगला कहने की भूतकाल के कितने भेद हैं, यहाँ पे आपको बताना है भूतकाल के कितने भेद हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छह भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं, छह भेद हैं, सामान्य भूतकाल, असन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमद भूतकाल। आइए देखते हैं अब गद्यांश है, इसके बाद हिंदी के जीएस के प्रश्न करेंगे। देखिए आइए देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। कह रहे कि धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा से घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभी
वृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जब वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांतिकाल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। आइए देखते हैं प्रश्न इससे बने। देखिए पहला प्रश्न है, कहने की विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? भाई साहब शांति क्यों आवश्यक है? राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, मानव जाति के विकास के लिए। ठीक है, कहने विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा, कहने हिंसा और भय नहीं, अहिंसा और प्रेम। हाँ ये आपने पढ़ा था, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा? कहने की सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा या अहिंसा द्वारा। हाँ ये आपका सी नंबर हो जाएगा, अहिंसा द्वारा। अगला है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व है, तो इसके क्या तत्व हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शांति सुख और रचनात्मक कार्य। अगला है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है, मतलब पर्यायवाची आपको बताना है नितांत का। राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, नितांत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बिल्कुल। आइए देखते हैं अब जीएस के प्रश्न। देखिए तो ये जीएस का हमारा ये आठवां सेट चल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न, कह रहे कि इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये कब तक रखा गया है? कह रहे हैं 2035, 2035 या 2029 या 2032। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2035। ठीक है, तो इसरो ने जो है 2035 तक जो है अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और देखिए एक और लक्ष्य रखे हैं, 2040। 2040 भी आपसे पूछा जा सकता है, इसमें जो है 2040 तक जो है चंद्रमा पर प्रथम भारतीय व्यक्ति को भेजने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति, ये मिशन है, ठीक है, मिशन है ये, ठीक, मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया? तो ये करंट का प्रश्न है, यूपी का, तो ये कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोंडा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। तो इसका लक्ष्य जो है महिलाओं को सशक्त बनाना व छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। कहने की महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभांकर क्या है? तो ये क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूही हथनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। कहने उस बिंदु को क्या नाम दिया गया जहां चंद्रमा थ्री लैंड 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा? तो जहां पर उतरा था उस बिंदु का क्या नाम दिया गया है? तो काफी चर्चित था, आपको इसको पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिव शक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए नंबर। कहने की रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर, भगवान शिव को। ठीक है, तो रामप्पा मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। तो ये कहाँ है ये रामप्पा मंदिर? ये तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना के पालम पेट में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, तो किसको प्राप्त है ये? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीबी सिंधु को। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने जो है पी वी सिंधु जो है पहला रजत जो है पदक जो है रियो ओलंपिक 2016 में उन्होंने रजत जीता था, और दूसरा जो है पदक कांस्य टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ढाका शहर स्पेस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना है ढाका शहर जो है कहाँ स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, या जो है बूढ़ी गंगा नदी के तट पर है। ठीक, ढाका जो है ये जो है आपका बांग्लादेश की क्या है, राजधानी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, और भारत जो है बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, उसका इसकी मुद्रा का है टका। ठीक है, भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, तो इसका नाम क्या था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट था। ठीक है, निम्न विकल्पों में से दिया गया कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, आपको गलत बताना है, राइट आंसर हो जाएगा कहने की सिल्बम तमिलनाडु, लाठी कर्नाटक, कलारी पट्टू केरल, गतका पंजाब। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा यहाँ गलत हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाठी जो है कर्नाटक का जो है युद्ध कला नहीं से संबंधित नहीं है, या जो है वेस्ट बंगाल से संबंधित है। ठीक है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का है। ठीक, तो लाठी युद्ध कला जो है का संबंध कहाँ से है, ये पश्चिम बंगाल से, ना कि कर्नाटक से है। ठीक है, ठीक है, सिम्बलम जो है ये जो है तमिलनाडु का क्या है, एक मार्शल आर्ट है। ठीक है, और कलारीपट्टू ये क्या है, एक युद्ध कला है जो केरल से संबंधित है। ठीक है, और जो है गतका जो है ये पंजाब का है, या जो है सिखों का एक पारंपरिक युद्ध कला है। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर जो है आपका नहीं सुमेलित था। आइए देखिए प्रश्न आपका राजधानी से जरूर आएगा, राजधानी और मुद्रा से, क्योंकि आपका सिलेबस में है। कल इथियोपिया की राजधानी आपको बताना है, इथियोपिया की इनमें से कौन सी राजधानी है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, अदिस अबाबा जो है इथियोपिया की राजधानी है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, यहीं आपकी इसका मुद्रा पूछ ले तो क्या हो जाएगा, बिर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अंकारा किसकी राजधानी है, ये तुर्की का है। ठीक है, तुर्की का है। ठीक, और नोम पेन है किसकी राजधानी है, ये आपकी कंबोडिया की राजधानी है। ठीक है, और कुआलालंपुर किसकी है, ये जो है मलेशिया देश की राजधानी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। यानी रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है, तो ये किस महीने में मनाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रावण माह में। यहाँ आपको सुमेलित करना है सूची एक और कोड को ध्यान रखते हुए। चलिए, कहने की चैती आपका किससे जाएगा, ये आपका चौथे से जाएगा, एक चौथे से, ये मौसमी गीत है। ठीक है, मौसमी गीत है। और कजरी जो है ये किसके समय गाया जाता है, ये विवाह एवं मौसमी गीत है। ठीक है, तो तीसरे से जाएगा। और रसिया जो है आपका ब्रज का लोकगीत है, तो ये दूसरे से जाएगा। और सोहर जो है संस्कार गीत हो जाएगा, आपका पहले से जाएगा। ठीक, पहले से जाएगा। तो इस प्रकार आपका कौन सा कोड सही हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने की माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये किस पर नदी पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह जो है बेतवा नदी पर है। ठीक, तो माता टीला बांध जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में बेतवा नदी पर स्थित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा ललितपुर जनपद में। यहाँ पर एक और बेतवा नदी पर एक बांध है जिसे आप परीक्षा बांध कहते हैं। ठीक, अगला कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है, तो ये जवाहर तारामंडल कहाँ है, राइट आंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये कहाँ पर है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सिंगरौली में। भारत में किस राज्य में राज्य का लोकसभा व राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो ये किस में है, तो आप जानते हैं इसे, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, लोकसभा सीट कितनी है, 80,
राज्यसभा सीट कितनी है? 31। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सारस। ठीक है, तो राजकीय पक्षी क्या है? सारस। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। राजकीय पुष्प क्या है? पलास। ठीक है, कहने किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित की थी? तो ये आपके कौन सा हो जाएगा? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है इसमें जो है क्या हुआ था, ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की गई थी। अरे, मेक इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो ये कब प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा मेक इंडिया जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सितंबर 2014 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं से मिलता है? तो आप जानते हैं कौन सा राज्य है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक, तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है? तो ये किस पर है? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, दक्षिणी पश्चिमी तट पर। निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रॉम्बोली को, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पेट्रोलियम। मौर्य काल के दौरान भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया है? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। और जो है ये पूछा जाता है मेगस्थनीज जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के। शिवाजी का जन्म कब तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1677 से 1674 में। ठीक है, तो जन्म जो है इनका कब हुआ था? जो है शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, और शिवाजी का राजाभिषेक जो है 1674 में किया गया था। ठीक, और यहीं पर जो है इनके बाद जो है छत्रपति की उपाधि प्रदान की गई थी। कहने की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो ये किसने लिखा भी है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, दादा भाई नवरोजी। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सही सुमेलित है? तो ये आपको सही सुमेलित घटना आपको बताना है यहाँ पे। सही सुमेलित घटना आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कहने की वर्ष 1920 ईस्वी में रॉलेट सत्याग्रह, देखिए रॉलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था, ना कि 1920 में, तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है। वर्ष 1921 में कहने की काकोरी कांड, काकोरी कांड जो है 1921 में नहीं हुआ था, ये कब हुआ था? ये आपका 1925 में हुआ था। ठीक है, 1925 में हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। कहने की वर्ष 1931 में राजगुरु को फांसी, हाँ ये आपका सही है, ऑप्शन सी सही है। कहने वर्ष 1940 में लाहौर अधिवेशन, तो ये आपको बताना है, तो ये 40 में नहीं हुआ था, 1929 में हुआ था। ठीक है, 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, तो इसलिए ये भी हो सकता है, तो आपका सी ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन तथा वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो ये आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ये 1942 में आया था। ठीक है, अगला, कहने की निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो ये आपको बताना है सही सुमेलित है। कहने की अनुच्छेद 17 में न्याय के समक्ष समता बिल्कुल गलत है, इसमें जो है क्या है, अस्पृश्यता का अंत है 17 में, तो ये गलत हो गया। अनुच्छेद 78, तो यहाँ पे कह रहे हैं संसद का गठन बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं।
ठीक है, तो ये आपका संसद का गठन, तो आपका ये भी ये क्या हो गया, गलत है। तो अनुच्छेद 78 में क्या है, राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने के संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्य है 78 में, ठीक है। अनुच्छेद 112 कह रहे संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते, तो ये भी नहीं, गलत है। इसमें जो वार्षिक वित्तीय वितरण दिया है 112 में, तो ये भी गलत हो गया। कहने की अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही सुमेलित वाला अनुच्छेद है। कहने भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सही संवैधानिक स्थिति निम्न में से क्या थी, सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। आपसे यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन पूछा जाता है 1976, ठीक है, 1976 में है जो है, इसमें जो है तीन शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, ठीक है, और यह जो है मिनी संविधान संशोधन कहलाता है 42वां संविधान संशोधन। कहने की भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल वर्णित है, तो आप जानते हैं कितने प्रकार के, मैंने बता रखा है कई बार, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, तीन प्रकार के, ठीक है, कौन कौन से, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, और 360 में जो है वित्तीय आपातकाल, जो कि वित्तीय आपातकाल अभी भारत में एक बार भी नहीं लागू हुआ है, ठीक है, और राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात जो है तीन बार अभी तक लग चुका है, ठीक है। करें किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो ये आपको याद ध्यान रखना है, देखिए 91 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया, ये तो कुल कितने हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 12, ठीक है। तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, ठीक, तो 12, और वही परसेंटेज में पूछे तो 15% ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता है, ठीक, तो 52 में आपको बताया गया कि भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, ठीक है। 72 में आपको क्षमादान प्रदान करने की शक्ति है राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी को, और 61 में जो है महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ, लेकिन 14 दिन पहले इन्हें सूचना देनी होगी। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पुनः निर्वाचन की योग्यता, तो आप जानते हैं कि भारत में जो है कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 57, ठीक है, तो ये जो है आपका आया हुआ प्रश्न यूपी पुलिस में है, ठीक है। अगला है, कहें निम्नलिखित में कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है, नहीं वाला बताना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परागण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, डेंगू होता है, लेकिन हेपेटाइटिस नहीं होता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है, देखिए ऊर्जा जूल का मात्रक सही है, आवृत्ति हर्ट्ज है, शक्ति का वाट है, कहने की दाब का न्यूटन है, तो ये दाब का नहीं न्यूटन होता, न्यूटन जो है बल का होता है, ठीक है, तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है दाब का मात्रक होता है, ठीक है, तो दाब बराबर आप जानते हैं पी इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू एफ बाई एरिया स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एरिया क्षेत्रफल, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है बल प्रेशर इक्वल टू बल बटे क्षेत्रफल होता है। कहने की भौतिकी में स्टेरेडियन स्पेस की इकाई है, तो स्टेरेडियन किसकी इकाई है, राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठोस कोण माप का, ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपके 75 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, देखिए हिंदी और चीज के इसमें कवर की, तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।